अलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपने इस गार्डनिंग चैनल पे जिसका नाम है बिगनर्स गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लीची का प्लांट सीड से लगाना सिखाऊंगा। बहुत इजी है, बहुत आराम से लग जाता है, बस कुछ थोड़ी सी केयर आपको करनी पड़ती है। सॉरी, एक सीड गिर गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लीची का जो है सीज़न चल रहा है, तो अभी जो है आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीड आपको कैसे मिलेगा, जो आप लीची खाते हैं उसी का पल्प उतारेंगे तो अंदर से उसका ये देखें इस तरह का सीड निकल आएगा। इसको अच्छे से वॉश करना है, इसके ऊपर पल्प लगा ना रहे। अगर पल्प लगा रहेगा देन फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज़ पल्प इस पर थोड़ा सा लगा रहे, वो मिठास होती है, तो ऐसे ही हम मिट्टी के अंदर इसको डालेंगे एंड देन उस मिठास की वजह से जो है फंगस एक्टिव होगा, और फंगस एक्टिव होने की वजह से जो है आपका सीड है ये गल सकता है, ख़राब हो सकता है, जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो तीन सीड से मेरे पास एक गिर गया, वो मैं अभी उठा लेता हूँ। तो इजीली मिल जाता है आपको लाहौर में, तो काफ़ी इजीली लीची जो है वो मिल रही है, तो ईज़िली आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं भी बिगनर हूँ, मैंने भी ग्रो किया। सो सिंपली आपने लीची लेनी है, उसका पल्प जो है उसको खा लें एंड इसमें से उसके अंदर से सीड निकाल लें एंड इसको अच्छे से वॉश कर लें, सीड सुखाएं। एंड ये हमारे पास मिट्टी है, सिंपल मिट्टी है, बालू मिट्टी, कोई इसमें मैंने जो है एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की, कोई कंपोस्ट नहीं है, कोई रेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मिट्टी है। और ये रहा हमारा सीड। एक मिनट, मैं वो वाला सीड पकड़ लूँ, इधर क्या। और कोशिश करनी है आपने कि 5 से 6 सीड्स लगाने हैं, क्योंकि सपोज़ अगर कोई आपका सीड नहीं चलता देन आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई सीड आपका चलेगा। तो जब भी सीडलिंग करें कुछ ज़्यादा करें, ताकि 100% आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता स्टार्ट में, तो आप थोड़ी सीडलिंग करते हैं एंड बाद में डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार मैंने सीडलिंग की थी एंड जो है रिज़ल्ट नहीं मिला। वो इसलिए नहीं होता कि आप थोड़ी सीडलिंग करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे आते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आपका जो है वो पता लग जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है सीड की, क्या मिट्टी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप जो है कम सीडलिंग पे भी अच्छा रिज़ल्ट पा लेते हैं। तो स्टार्ट में सीडलिंग जो है सीड्स ज़्यादा लगाएं, ताकि सपोज़ अगर कुछ बीज ख़राब भी होते हैं तो कुछ का आपको रिज़ल्ट मिल जाए, आप डिसहार्ट ना हो। तो मैंने पहले भी सीडलिंग की हुई है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इसकी मैं बना रहा हूँ, वो भी मैं दिखा देता हूँ उसका रिज़ल्ट कहाँ तक पहुँच गया। तो हमने सिंपली करना क्या, ये देख रहे हैं ये सीड्स हैं हमारे पास, ये सिंपल जो उसके ऊपर आँख बनी होती है, इसका मुंह आपने ऐसे उल्टा करके नहीं रखना, ठीक है, इसको उल्टा करके नहीं दबाना है, इसको सीधा ऐसे ऐसे करके रख के दबा के ऊपर मिट्टी डाल देनी है। ऐसे करके रखेंगे तो जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, या चांसेस है कि ना भी हो, तो ऐसे करके आपने रखना है एंड देन यहाँ से आपका स्प्राउट शुरू होगा और आपका पौधा यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो होल कर लेंगे एक छोटा सा और सिंपली अपना सीड दबा दिया एंड 1 इंच होल एंड एक और यहाँ पर डालता हूँ। एक सीड गिर गया, वो मुझे मिल नहीं रहा, 2 सीड्स मैंने पहले भी की हुई हैं, मैं रिज़ल्ट अभी दिखा देता हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह करना है। एंड सीड हमने दबा दिया, इसको रखना है सेमी शेडेड एरिया में जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। डायरेक्ट सनलाइट में जो है आपका मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होगी और आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। सेमी शेडेड एरिया में आपको पानी जो है थोड़ा कम देना पड़ेगा, और डायरेक्ट सनलाइट, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत तेज़ होती है, तो बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाती है, इसलिए सेमी शेडेड एरिया में इसको रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट आती है और इसकी मिट्टी जो है वो आपने मॉइस्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, बहुत ज़्यादा पानी से भी जो है आपका सीड गल जाता है और बहुत कम पानी से भी गल जाता है। तो मेक श्योर कि मिट्टी आपकी मॉइस्ट रहे, बस नमी रहे उसके अंदर, ना कि पानी से भरी रहे या बहुत ही ड्राई हो जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। पानी आपने किस तरह देना है, शॉवर से देना है, ऊपर से शॉवर से स्प्रेड कर दें, या फिर इस तरह का कोई ढक्कन आपके पास अवेलेबल हो बाल्टी का, तो उसमें पानी डाल के जो पॉट है अपना इसके अंदर रख दें। इससे ये होगा कि आपका जो पॉट है, आपके पॉट की मिट्टी है, वो नीचे से पानी सारा सक कर लेगी और मिट्टी सारी मॉइस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पानी ख़त्म हो तो दोबारा इसको फिल कर दें, ऐसे ही जो है आप ये वाली टेक्निक से पानी देते रहें या ऊपर से शॉवर कर दें। दोनों मेथड्स सही हैं, अच्छे हैं, सेफ़ हैं बिगनर्स लेवल के लिए। तो मैं भी आपको पानी दे के दिखा भी देता हूँ कि किस तरह पानी देना है, तो स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अच्छा, पानी देने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा था, तो ये मेरे पास है वाटर बॉटल, वाटर स्प्रे,
स्प्रे से जो है मैं पानी दूंगा, पानी अब इसको किस तरह देना अगर किसी को यूज़ करना नहीं आता, इसके पीछे ये पंप लगा है, इसको हम जो है पंप करेंगे एंड यहाँ पे जो है प्रेशर बनेगा एंड देन शॉवर से हम पानी दे देंगे। ये देखें पंप मैंने कर दिया था, अब अच्छे से शॉवर से पानी दे देंगे। शॉवर से पानी देने का फ़ायदा ये होता है अपनी सीडलिंग को कि आपका सीड जो है ये अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि अगर आप वैसे बॉटल से पानी दें या किसी और मेथड से ऊपर से पानी डालेंगे तो आपके सीड के हिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये काफ़ी लाइट है, आपका जो सीड है वो हिलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम पानी अच्छे से देना है ताकि आपकी मिट्टी पूरी गीली हो जाए अच्छे से, एंड देन हल्का हल्का पानी ऊपर शॉवर कर देना करना है जैसे ही आपको लगे कि मिट्टी ड्राई हो रही है। तो ये देखें ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा है, तो पानी मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये हमने पानी दे दिया एंड जो पुरानी सीडलिंग मैंने की थी उसका भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कितना हो गया। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते उसको हो गए हैं एंड मैं उसका रिज़ल्ट भी अभी आपको दिखा देता हूँ कि जर्मिनेट होने के बाद आपके जो सीड्स हैं वो किस तरह लगेंगे। वो मैंने ऐसे ही जस्ट मिट्टी के अंदर डाल दिया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, स्टे विथ मी। जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है रिज़ल्ट, ये सिंपली एक जो है कपड़े का कह सकते हैं आपके पॉट है, अवेलेबल आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो आपका पानी ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा रहता है, एक्स्ट्रा पानी जो है ये निकाल देता है, जितना मिट्टी को रिक्वायर्ड होता है उतना ये पानी स्टोर कर लेता है अंदर, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छा अब मैं रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये दो मैंने एक साथ ही लगा दिए थे। जब आपके सीड्स जर्मिनेट होंगे देन इस तरह के शो होंगे, ये इस तरह के शो होंगे। आप कहते तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको सीड, ये इसको फिर दोबारा लगा देंगे ताकि ये ना कहे कि ये पता नहीं क्या दिखा दिया। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये लीची के ही जर्मिनेशन है, जस्ट अ मिनट, बहुत आराम से डैमेज ना हो क्योंकि जुड़े जो बनी हैं वो डैमेज हो गए तो फिर ये सीड ख़राब हो जाएगा। जी फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारा लीची का सीड, एक मिनट, ये देखें इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई है। ये हमारा लीची का सीड है जो मैंने पहले लगाया था, ये उसका रिज़ल्ट है और ये इसकी जड़ स्टार्ट हुई है। ये आँख से इसने जर्मिनेशन स्टार्ट की है एंड यहाँ से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। सो इसको वापस लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।